हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं निखिल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, मैं सोशल स्टडी की जितनी भी चैप्टर्स हैं वो मैं आपका कवर कराने वाला हूं। मैं आज से सोशल स्टडी आपका स्टार्ट कर दिया हूं, तो सोशल स्टडीज में आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो पूरा मैं कवर करने वाला हूं। मैं पूरा लेकर के चलूंगा और आपको एक एक वीडियो दूंगा, और वीडियोज में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं बना रहा हूं, वो मैं आपके लिए बना रहा हूं, उसको फॉलो करें। आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, और फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स तो आपके आएंगे हमारे वीडियोस देखने से, बल्कि नॉलेज भी आपको मिलेगा। तो नॉलेज भी बढ़ाइए दोस्तों, और मार्क्स भी अपना गेन कीजिए, तो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। दोस्तों, हमारा सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। शुभम सर ने आपका पहला चैप्टर पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, तो मैं सेकंड चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ। आज से हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गई है सोशल स्टडीज की, तो फिर आप बने रहें सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स ले आने के लिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमारी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, और एट लास्ट मैं आपको पीडीएफ इसका देने वाला हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का विकास। देखिए दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही बताऊंगा, सिर्फ आप उसको ही नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे हमारा क्या है, भारतीय इतिहास रूप में बहुत बड़ा है। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, भारतीय इतिहास रूप में बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये होगा कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है, भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, मैं पढ़ाता हूं तो मैंने जितने भी चीजें आते हैं मैं सोचता हूं कि आपको बता दूं, तो आप नई चीजें जान लीजिए कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, यह आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको मिल जाते हैं, आप किसी भी एंट्रेंस भी करने जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। तो भारतीय इतिहास रूप में बहुत बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। जैसा दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी, उनका सब शासन चलने लगा। उससे पहले जो भारत था वो सोने की चिड़िया कही जाती थी, और भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े सम्राट थे, यहाँ पर राजा थे। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि जिलों से मिलकर के राज्य बनता है, राज्य के राजा होते हैं, और राज्यों से मिलकर के, राज्यों के समूह से जो बनता है उसे हम साम्राज्य कहते हैं, और साम्राज्य क्या क्या होता है, सम्राट होते हैं। जैसे अशोक सम्राट के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिंदुसार के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे जितने भी शाहजहां, बाबर जितने भी थे वो क्या थे दोस्तों, अंग्रेजी शासन के पहले उनका शासन था ना, तो पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लें। फिर देखें दोस्तों क्या हमारा, यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ठीक है दोस्तों, उसे हमारा भारत क्या था, एक मजबूत शक्ति के रूप में इतिहास में आगे बढ़ रहा था, भारत का भी बहुत ज्यादा नाम था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, उस समय पे किसका राज्य था, तो गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत आदि का क्या था, शासन था। जैसे मैंने आपको बताया ना, अशोक सम्राट हुए, फिर उनके पिता बिंदुसार थे, और जितने भी हैं बुद्धा हुए, महावीर जी हुए, तो उन लोग का क्या था, ये लोग तो हालांकि तीर्थंकर थे, और बाकी इनका शासन भी था दोस्तों, शक्तिशाली थे। ठीक, अब देखिए, परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पहले पुर्तगाल के लोग आए यहाँ पर भारत में, धीरे धीरे उन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राजाओं से मिलकर के, सम्राट लोगों से मिलकर के क्या कि यहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया। फिर ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई, तो उन्होंने कोलकाता में, आपने सुना कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया, और उसको क्या कर लिया, अपना आर्मी बढ़ाने लगी। यानी कि देश में उन्होंने क्या किया, राजाओं से क्या क्या करके कि हमारी सुरक्षा के लिए लोग कम बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ से भी लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा करके उन्होंने बुलाया, धीरे धीरे करके वो आबादी बढ़ाने लगे। फिर वही लिखा हुआ दोस्तों कि परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। ठीक है दोस्तों, इससे धीरे धीरे उनका क्या हुआ, भारतीय सरजमीन पे उनका क्या हुआ, राज बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं। ये मैं जो पॉइंट आपको लिखवाया हूँ दोस्तों, ये मैं एक तरीके से कंक्लूजन, जैसे कि सार होता नहीं है कि पूरे पाठ का सार, तो वो ये वो चीज है, इसको आप पढ़ लेंगे अगर एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है दोस्तों।
और ये मैं फर्स्ट पार्ट बनाया हूँ, उसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसके कारण 1850 प्लासी युद्ध हुआ। 1850 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्लासी युद्ध। ये पूछा था कि प्लासी युद्ध कब हुआ था, प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो ये कब हुआ था 1850 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब ये लोग क्या के ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आई और अपना आर्मी बढ़ाने लगी, तो यहाँ के राजाओं को नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने इसका जब विरोध किया तो एक युद्ध लोग छेड़ दिए, उस युद्ध का नाम पड़ा प्लासी का युद्ध। और वो युद्ध हुआ था 1850 में, और ये जो युद्ध हुआ दोस्तों इसको अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उनकी आर्मी ज्यादा थी तो वो जीत गए और बंगाल पर क्या कर लिया उन्होंने दोस्तों, कब्जा कर लिया। ठीक है आगे देखिए, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। पहले के समय में जो राजा किसी राज्य पर अगर आक्रमण करते थे, वो राजा अगर जीत जाते थे तो वहां के जितने भी उस राज्य के लोग थे, राज्य तो मिलता ही था, साथ में जितने भी वहां के लोग थे उनको यहाँ पर ला करके ये लोग जेल में अपने कारावास में बंद कर लेते थे, और जितने भी लोग थे मैक्सिमम को ये अपना गुलाम बना लिया करते थे। तो इसी के कारण तो 1850 में प्लासी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। लेकिन आज के समय की बात, इसको मैंने रेड पेन से लिखा, लेकिन आज के समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आज के समय में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए था। ये हम कब की बात कर रहे हैं सर? 1800 से 1900 के बीच की बात कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 1922 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब क्या कैसे हुआ इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम 1922 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब क्या और कैसे हुआ इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब हम इतना उम्मीद करते समझ में आया होगा, ये हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वह प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत व असहयोग। क्या हुआ, लोग इसका खिलाफत करने लगे अंग्रेजों का, और असहयोग भी जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके ऊपर कोई शासन करेगा तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर तो पूरे देश की बात थी। तो प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत व असहयोग के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था, ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर कोई भी चैप्टर मैं कंप्लीट करते जाऊंगा तो उसमें मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स हिस्ट्री में बताते जाऊंगा। इसके बाद मैं कंप्लीट करने के बाद आपको ज्योग्राफी, और उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स, और उसके बाद फिर सिविक्स करके मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हमारी वीडियो सीरीज आज से स्टार्ट हो गई, तो आप बने रहें इसके साथ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1914 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इस समय क्या था, भारत पर अंग्रेजों का ही शासन था। फिर दोस्तों 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। यहां से किसका शुरुआत हुआ, महात्मा गांधी जी ने फिर अपना आंदोलन चलाया, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए प्रकार के जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर वहां की नस्ल भेदी सरकार से लोहा लिया। देखिए आपको पता ही होगा कि जब गांधी जी गए थे अफ्रीका में, तो वहां पे लोग काले गोरे का भेद करके उनके साथ काफी ज्यादती किए थे, काफी इनके साथ इनको परेशान किया गया था वहां पर, उसी को ही नस्ल भेदी करके इस्तेमाल किया गया। नस्ल भेदी मतलब क्या हुआ कि भाई कि एक दूसरे के प्रति क्या करना, भड़काना एक दूसरे को, और काले गोरे में भेद करना। ठीक, तो उन्होंने एक नए प्रकार के जन आंदोलन, किसने, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए प्रकार के जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर वहां की नस्लभेदी सरकार से लोहा लिया। लोहा लिया मतलब दोस्तों उनसे लोहा नहीं मांगा उन्होंने, लोहा लिया मतलब वहां उनसे उन्होंने बदला लेने का निर्णय किया, निश्चय किया। ठीक है, अपने इसी नए प्रकार के विरोध करने के तरीके को, अपने इसी नए प्रकार के विरोध करने के तरीकों को उन्होंने बाद में सत्याग्रह का नाम दिया। किसका नाम दिया दोस्तों, सत्याग्रह का। आपसे कोई पूछे सत्याग्रह किसने लेकर के आया था, या फिर सत्याग्रह का आंदोलन किसने चलाया था, तो ये हो गया हमारे महात्मा गांधी। ये जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ दोस्तों, वर्ड्स जितने सेंटेंसेस उसको आप लिख लीजिए, नए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था, और फिर सत्याग्रह नाम किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ लें दोस्तों। ठीक, अपने इसी नए प्रकार के विरोध करने के तरीके को उन्होंने बाद में सत्याग्रह का नाम दिया। भारत आने के बाद गांधी जी ने देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया। भारत आने के बाद वो तो वहां पर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे क्या करना है, अफ्रीका की सरकार से, अंग्रेज की सरकार से क्या करना है, लोहा लेना, यानी कि बदला लेना है और अपने देश को आजाद कराना है। तो उन्होंने क्या सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिया भारत आने के बाद,
अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का उन्होंने संचालन किया। वहां से आने के बाद कई राज्यों में गए, जैसे मुख्यतः थे 1916 ईस्वी में बिहार, 1916 ईस्वी में गांधी जी का बात है, 1915 में आए थे, यहाँ पर देख लीजिए गांधी जी का बात है, 1915 ईस्वी में लौट करके आए थे। फिर उन्होंने क्या किया, आते ही 1916 ईस्वी में बिहार प्रांत के चंपारण में गए, 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नामक जिले में, और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन के लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सोशल साइंस में आप बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। बाकी हमारे जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाए, समझ में आए और आपको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों हमारे चैनल साथ बने रहें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।